जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक के तल्ला नागपुर पट्टी के ग्राम सभा बाफई में पांडव नृत्य के चलते भव्य चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने 6 द्वारों को ध्वस्त किया और इसके बाद 7वें द्वार पर दुर्योधन ने वीर अभिमन्यु को छल से गोदी में बैठाकर उसका वध कर दिया। ऐसे दृश्य के मंचन के दौरान दर्शकों की आंखें छलक उठी और लोगों ने देर शाम तक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मुख्य अतिथि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय दरमूड़ा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के भीष्म प्रयास किए जा रहे हैं जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़वासियों को सामाजिक चक्रव्यूह का भेदन सीखना अति अनिवार्य है। यदि हमें समाज में बेहतरी से रहना आ गया तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। नई पीढ़ी भी अपनी पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जान रही है, यह सकारात्मक पहल है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से ये हमारी अभिमान मानसिक विषय है जो कि हमारी संस्कृति को और जो यह विधा च ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में यह पाई जाती और मन नमन कर दो अपने क्षेत्र का लोग का वास्ता कि जून यूं विषम परिस्थितियों में भी कठिन परिस्थितियों में यह कला जीवित रहेगी और ये सिर्फ ना हमारा क्षेत्र में बल्कि पूरा उत्तराखंड में और पूरा प्रदेश में पूरा देश में ये कला महाभारत में चक्रव्यूह अपना टीवी सीरियल में जरूर देखे वाला लेकिन देख मंचन अपना पहाड़ों में का और विधा अपना लोगों ते बताने या अपना आप बहुत बड़ी बात है। तो मैं गाँव में गाँव ग्राम का सभी सम्मानित सदस्य थे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दोनों जो उनकी यह विधा न सिर्फ हम लोग होते बल्कि पूरा अपना प्रदेश और देश में यह विधा लगभग 65 साल पहले हो रहा है 65 साल से हो रहा है और होते होते आज 65 साल इसका मतलब है कि 40 साल तो हो गए हैं और 22 साल हो गए 62-63 साल हो रहे हैं और लगातार इस चक्रव्यूह में या इस लीला में मैं 7वीं बार इस पांडव लीला का आयोजन कर रहा हूँ और 7 बार मैं इसका अध्यक्ष बन चुका हूँ। लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ हमारी गाँव की जनता में बाहर से लोग बाहर से आए हुए लोग